व्हाट्सएप स्वैगर्स, मैं हूं अंकित और मैन स्वैग की आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओवल फेस शेप के बारे में। तो मैंने इससे रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स पर वीडियो बनाई हैं जो कि मेरे चैनल पर हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके उनको देख लो। और आज की वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि आप लोगों ने मुझे कई बार मैसेज करा है इंस्टाग्राम पर कि आप लोग अपने फेस शेप को कैसे पहचान सकते हो कि ओवल फेस शेप है या नहीं है। तो आज हम जानेंगे कि आप लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने फेस शेप को, और साथ ही आज हम कुछ चीज़ें और कवर करेंगे जो कि आपने ही मुझसे पूछी हैं कि आपको अपने ओवल फेस शेप पर कैसा हेयर स्टाइल रखना है, कैसे सनग्लासेस लेने हैं या फिर कैसा बियर्ड स्टाइल रखना है, एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कपड़े कैसे पहनने हैं जो कि आपके फेस के अकॉर्डिंग हो। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं आज कवर। वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा आपके लिए, तो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाके जल्दी से अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ आपके बहुत काम की हैं तो आपको उनके जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ और जानते हैं कि आपका फेस शेप ओवल है या नहीं। सो गाइज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, यानी कि ऑल अबाउट ओवल फेस शेप। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो भी डाउट है, उस पर भी वीडियो बनाऊं, तो आप लोग भी मुझे मैसेज करके बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर दो और वहाँ पर मैं आपके हर मैसेज का रिप्लाई खुद करता हूँ और आपके जो भी टॉपिक्स हैं उन पर वीडियो भी बनाता हूँ, तो फॉलो कर देना। और अब हम बात करते हैं ओवल फेस शेप के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो ये है कि आप लोग अपने फेस शेप को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका जो चेहरा है, आपका जो चांद सा मुखड़ा है, ये ओवल है या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको सबसे पहले दो चीज़ें यहाँ पर देखनी है। पहली चीज़ तो ये कि आपका जो ये फेस लेंथ है, फेस लेंथ क्या होता है, आपका ये जो सेंटर पॉइंट है जहाँ से आपके बाल शुरू होते हैं, यहाँ से लेकर ये जो चिन है यहाँ तक की जो लेंथ है, इसको मेज़र कर लो किसी धागे से कर लेना और आप फिर स्केल से उसका जो भी लेंथ है उसको कहीं पे नोट कर लेना। और उसके बाद आपको मेज़र करना है आपका जो ये चीक बोन्स हैं, चीक बोन यानी कि आँख के नीचे जो ये हड्डी है, इससे इस वाली बोन की जो डिस्टेंस है इसको आपने मेज़र करना है और इसको भी कहीं पर लिख लेना है। अब अगर आपका जो ये फेस लेंथ है ये आपके चीक बोन से ज़्यादा है, यानी कि फेस लेंथ ग्रेटर देन चीक बोन्स, और साथ ही आपका जो ये फोर हेड है एंड आपका जो ये चिन है ये एंगुलर नहीं है, यानी कि थोड़ा सा कर्व्ड है, जैसे कि मेरा चेहरा है, मेरा फेस भी ओवल है। तो अगर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपका फोर हेड भी मेरी तरह थोड़ा सा कर्व्ड है, आपका जो चिन है ये भी थोड़ा सा कर्व्ड है, और साथ ही आपका फेस लेंथ चीक बोन से बड़ा है, तो आपका जो फेस है वो है ओवल फेस शेप। फेस शेप तुमने जान लिया। अब हम जानते हैं कि आपको अपने ओवल फेस शेप पे कैसा हेयर स्टाइल रखना है जो कि आपके चेहरे पर, आपके फेस पर एकदम परफेक्टली सूट करे, आपके ऊपर बहुत ही क्लासी लगे। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ओवल फेस शेप में आपका जो फेस है इसमें एंगल्स थोड़े कम होते हैं, यानी कि कर्व ज़्यादा होते हैं। अब अगर आप लोग यहाँ पर हेयर स्टाइल भी ऐसा चूज़ करते हो जो कि एंगुलर नहीं है, यानी कि वो भी थोड़ा गोल मटोल टाइप का है, तो फिर आपका जो चेहरा है भाई वो कैसा लगेगा, आप लोग खुद ही ये हेयर स्टाइल रख के देख लेना। बट अगर आप चाहते हो कि आप कोई ऐसा स्टाइल चूज़ करो जो कि आप पर अच्छा लगे, तो आपने हमेशा ऐसा हेयर स्टाइल चूज़ करना है जो कि एंगल्स को ऐड करे, यानी कि आपके जो साइड्स हैं ये हमेशा थोड़े से शॉर्ट होने चाहिए। जैसे कि मेरे बाल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शॉर्ट करा हुआ है, अभी ध्यान मत दो क्योंकि आज मैंने पता नहीं क्या सोच के ऐसे बाल बना लिए हैं, वैसे अच्छे लगते हैं, बाकी वीडियोज़ में जाकर देख लेना। तो आपने करना क्या है, हमेशा आपको जो साइड के बाल हैं इनको करना है छोटा, और आपका जो टॉप का ये पार्ट है यहाँ पर आपको वॉल्यूम ज़्यादा रखना है। तो अगर आपने यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा रखा, ये छोटे हैं आपके जो साइड के बाल हैं, तो ये एक एंगुलर शेप हो गया और आपके फेस में कुछ एंगल्स ऐड हो गए। और आपने कभी भी ओवल फेस शेप पर जो लटे होती है ना, मतलब फ्रिंजेस होती हैं, तो वो लटे नहीं निकालनी है कोमोलिका की जैसी। आपने हमेशा ट्राई करना है कि फ्रिंजेस पहले तो रखनी नहीं है, और अगर गलती से आपने रख ली हैं, आपने मेरे वीडियो नहीं देखे थे और रख ली हैं, तो आपने कुछ ऐसा हेयर स्टाइल रखना है जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। आप लोग अपने फ्रिंजेस को इस तरीके से रख सकते हो जो कि आपके फेस पर ठीक लगेंगे। बट हाँ, आगे से ध्यान रखना, ओवल फेस शेप पे नो फ्रिंजेस, आपने हमेशा साइड के बाल छोटे रखने हैं, टॉप पर वॉल्यूम रखना है। और आप लोग यहाँ पर ओवल फेस शेप पर इस टाइप की हेयर स्टाइल को रखते हुए काफ़ी सारे अलग अलग स्टाइल हैं जिनको बना सकते हो, जिनको आप लोग रख सकते हो, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। ये सभी हेयर स्टाइल आपके ओवल फेस शेप पर एकदम सूट करेंगे, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो और जाओ अपने बार्बर भैया के पास और बोलना कि बिल्लू भाई आगे से मेरे बाल आपने ऐसे ही काटने हैं।
तो ये तो हो गया हेयर स्टाइल। अब हम बात करेंगे हमारे ग्लासेस के फ्रेम के बारे में। तो आपने अगर आई ग्लासेस लेने हैं, सन ग्लासेस लेने हैं, तो उनका जो फ्रेम होगा वो कैसा होगा। पहली चीज़ तो आपने ट्राई करनी है कि थोड़ा से जो आपके क्लासिक ग्लासेस होते हैं वो लेने हैं। क्लासिक कौन सा हुआ, जो थोड़े से सोबर टाइप के होते हैं, थोड़े डिसेंट टाइप के होते हैं, मतलब ये तितलियाँ बनी हुई जो ग्लासेस आजकल आने लगे हैं और बड़ा बड़ा कुछ लिखा होता है, डोप लिखा होता है, तो ये जो टाइप के ग्लासेस हैं इनको तो पहले पहना छोड़ दो। और जो बड़े बड़े फ्रेम होते हैं जिनको पता नहीं कौन लेकर आ गया है ट्रेंड में, उनको भी फॉलो करना बंद कर दो, ऐसे ट्रेंड को फॉलो करना बंद कर दो। आपने हमेशा जो ग्लासेस का फ्रेम है वो अपने फेस के हिसाब से लेना है, ज़्यादा बड़ा होगा तो आप पर अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि आपका जो फेस है वो ओवल है, यानी कि यहाँ पर एंगल्स मिसिंग है, तो आपको कोई ऐसा फ्रेम चूज़ करना है जो कि यहाँ पर आपको कुछ एंगल्स दे जिससे कि आपका जो फेस है वो बैलेंस हो जाए। तो आपने हमेशा जो स्क्वायर शेप के ग्लासेस होते हैं या फिर जो रेक्टेंगुलर ग्लासेस होते हैं, ऐसे फ्रेम ही चूज़ करने हैं, क्योंकि ये आपके फेस पर कुछ एंगल्स को ऐड करेंगे और आपका जो फेस है ये थोड़ा सा बैलेंस होगा, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा और ये आपके फेस पर काफ़ी ज़्यादा सूट करेंगे। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल देता हूँ पहले तो, कि ओवल फेस शेप वाले जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं वो कौन है, रणबीर सिंह जिनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, एंड रणबीर कपूर। इनमें कॉमन क्या है, इनमें दो चीज़ कॉमन है, पहला ओवल फेस शेप और दूसरा दीपिका पादुकोण। तो आपने हमेशा देखा होगा मूवीज़ में भी कि ये लोग भी हमेशा से ऐसे ही हेयर स्टाइल को सेलेक्ट करते हैं जो कि फ्रिंजेस वाले नहीं होते हैं, या जिनमें अगर इन्होंने बाल छोटे रखे हैं तो साइड्स जो हैं वो हमेशा ट्रिम्ड होती हैं, छोटी छोटी होती हैं। और आपने भी हमेशा ऐसे ही हेयर स्टाइल को चूज़ करना है और ऐसे ही ग्लासेस को सेलेक्ट करना है जो कि आपके फेस पर सूट करें और आपके चेहरे में कुछ एंगल्स को ऐड करें। तो हमने यहाँ पर दो चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, पहला हेयर स्टाइल, दूसरा ग्लासेस। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, उसके बाद हम आएंगे ड्रेसेस के ऊपर, बट थर्ड क्या है, बियर्ड स्टाइल। तो स्वैगर, अगर आपको बियर्ड रखने का शौक नहीं है तो आप लोग अपने भाई की तरह क्लीन शेव लुक रख सकते हो, एकदम मक्खन लगता है। बट अगर आपने दाढ़ी रखने का शौक है तो आपको जो बियर्ड है वो कैसी रखनी है, हमेशा ऐसी रखनी है जो कि थोड़ी सी स्ट्रक्चर्ड हो, यानी कि इसके जो कॉर्नर है वो थोड़े से शार्प हो और साथ ही आपके फेस पर ये भी एंगल्स को ऐड करे, क्योंकि जितने ज़्यादा एंगल्स होंगे मतलब दाढ़ी से भी बालों से भी, उतना ज़्यादा आपका लुक क्लासी लगेगा, उतना ज़्यादा आपका लुक सेक्सी लगेगा। तो आप लोग इस फोटो में देख सकते हो कि ये जो बियर्ड है ये कॉर्नर से थोड़ी सी शार्प है और यहाँ पर आपको एंगल्स देखने को मिल रहे हैं। और ये जो दूसरी वाली फोटो है, यहाँ पर आपको जो बियर्ड दिख रही है ये एकदम कर्व वाली बियर्ड है, तो आपने जो सेकंड वाली है ऐसी नहीं रखनी है। आपको कौन सी बियर्ड रखनी है जहाँ पर आपके फेस पर थोड़े स्ट्रक्चर ऐड हो रहे हैं, थोड़े से एंगल्स ऐड हो रहे हैं और जो कि आपके चेहरे को ज़्यादा बैलेंस कर रही है, यानी कि एंगल्स को ऐड कर रही है, यानी कि जो शार्प कॉर्नर वाली बियर्ड है आपको हमेशा ऐसी बियर्ड ही रखनी है। बट आप लकी हो क्योंकि आपका ओवल फेस शेप है, तो आप लोग ओवल फेस शेप के साथ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप लोग अपने बालों के साथ में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बियर्ड के साथ में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ये एक्सपेरिमेंट क्या होंगे इनके बारे में हम बात करेंगे हमारी आने वाली वीडियोस में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बट हाँ, फिलहाल के लिए आप इतना जान लो कि आपको बियर्ड कैसी रखनी है, हमेशा ऐसी रखनी है जो कि कर्व्ड ना हो, थोड़ी सी एंगुलर हो। ये तो हो गई बियर्ड। अब आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट के बारे में, यानी कि आपको कपड़े पहनते टाइम किस बात का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा आप लोग ध्यान रखो कि जो क्रू नेक की टी शर्ट होती है, यानी कि जो राउंड नेक वाली टी शर्ट होती है, आप लोगों को उन टी शर्ट को अवॉइड करना है, क्योंकि ये आपके फेस के लिए परफेक्ट नहीं होती है, ये आपके ऊपर सूट नहीं करेंगी। तो आपको जो टी शर्ट पहननी है या फिर आपको जो शर्ट पहननी है, शर्ट तो कैसी भी पहन लो क्योंकि शर्ट में आपको हमेशा वी लुक ही मिलता है, बट अगर आपने टी शर्ट वेयर करनी है तो आपने हमेशा वी नेक टी शर्ट ही पहननी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, ये भी आपको एंगल देती है, कर्व वाली में एंगल नहीं होते हैं ये सभी को पता है। तो आपने वी नेक पहननी है, इससे आपके जो कॉलर बोन्स हैं ये दिखते हैं, ज़्यादा सेक्सी लगोगे और साथ ही आपकी नेक है वो ज़्यादा लंबी लगती है, तो इससे क्या होता है आपका जो लुक है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमेशा ट्राई करो कि ओवल फेस शेप के साथ में क्रू नेक टी शर्ट को कम से कम पहनो या फिर ना पहनो, हमेशा वी नेक टी शर्ट पहनो या फिर आपने शर्ट्स पहनने हैं, क्योंकि इनमें आपको वी नेक वाला फील मिल ही जाता है। तो ये तो है वो चार चीज़ें जो आपने पता होनी चाहिए ओवल फेस शेप के बारे में। बट अगर आपका फेस शेप ओवल नहीं है, अगर आपका जो फेस शेप है
वो राउंड है, डायमंड है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है या फिर रेक्टेंगल है, तो आपने कैसे पता करना है कि आपका फेस शेप कौन सा है और आपको उस पर कैसे बाल रखने हैं, कैसी दाढ़ी रखनी है, कैसे ग्लासेस रखने हैं, कैसे कपड़े पहनने हैं, ये सारी बातें जानने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। एंड हाँ, इंस्टा पर भी फॉलो कर देना, क्योंकि आपको इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी सारे फैशन टिप्स मिलते रहते हैं। सो फॉलो कर दो एंड वीडियो को करते हैं ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपके लाइक्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि मैं आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आता रहूं। बाकी आपने कुछ भी पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, जाओ कमेंट जाके करो। आपका भाई आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई खुद करेगा। एंड चैनल सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा, नहीं कराया तो कब करोगे यार, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं अगली वीडियो में।